Hello everyone, this is Ram Bishnoi and today we are going to discuss class 8 English Assessment Worksheet number 1. ये आपके 21st of August 2021 की वर्कशीट रहेगी. जैसे कि आप सभी को पता है, आपको ट्वाइस इन ए मंथ यानी कि मंथ में दो बार असेसमेंट वर्कशीट मिला करेगी और ये असेसमेंट वर्कशीट आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आपको जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स मिलने हैं वो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स इन्हीं असेसमेंट वर्कशीट के बेस पर मिलेंगे. सेकंड, इन केस अगर आपके फाइनल एग्जाम एनुअल एग्जाम नहीं होते हैं, तो आपका फाइनल रिजल्ट भी इन्हीं असेसमेंट वर्कशीट के बेस पर तैयार किया जाएगा. इट मीन्स हमें इन सभी असेसमेंट वर्कशीट को सीरियसली लेना है, टाइमली कंप्लीट करना है और टाइमली सब्जेक्ट टीचर के पास इनको सबमिट करना है. सेकेंड थिंग, ये जो आपके असेसमेंट वर्कशीट है, ये आपके क्लास टेस्ट या फिर यूनिट टेस्ट की तरह, और ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इनको खुद करें. ओके, अगर आप खुद कर सकते हो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप इससे असेस कर पाओगे आपने कितना समझा, आपने कितना सीखा. अगर कहीं पर इफ बट है, किंतु परंतु आपको लगता है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो एटलीस्ट ट्राई ज़रूर कीजिए. पहले आप अपने आंसर्स खुद दीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो के साथ अपने आंसर्स को मैच कर सकते हो, टैली कर सकते हो, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपकी तैयारी कैसी है. लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस असेसमेंट वर्कशीट की. सबसे पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए. फर्स्ट जो इंस्ट्रक्शन दिया गया, दिस इज़ एन असेसमेंट वर्कशीट बेस्ड ऑन द वर्कशीट ऑफ प्रीवियस वीक्स, यानी कि लास्ट टू वीक की जो आपकी वर्कशीट है उन पर बेस्ड हमारी ये पहली असेसमेंट वर्कशीट है. सेकंड, इस असेसमेंट वर्कशीट में टोटल 10 क्वेश्चंस दिए गए, यानी कि हमारी ये असेसमेंट वर्कशीट टोटल 10 मार्क्स की रहेगी. और थर्ड, हमें यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें 4 ऑप्शंस है, करेक्ट ऑप्शन को हमें चूज करना है. लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन सारे के सारे काफ़ी ईजी है. फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, रमेश इज डेस इंटेलिजेंट बॉय, ही ऑलवेज गेट्स फर्स्ट प्राइज. तो यहाँ पे आर्टिकल्स दिए गए, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. फर्स्ट दिया गया रमेश इज अ इंटेलिजेंट बॉय, हो सकता है बिल्कुल सही नहीं लगा. सेकेंड ऑप्शन दिया गया रमेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा, रमेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय. जैसे कि हमने आर्टिकल्स में किया था कि वोवेल साउंड से पहले हमेशा हम एन का यूज़ करेंगे, अगर सिंगुलर नाउन हो और वोवेल साउंड हो तो उससे पहले क्या यूज़ करेंगे, हम एन का यूज़ करेंगे. तो यहाँ पर एन इंटेलिजेंट बॉय होगा, यानी कि बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया, आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन, अनक्वेश्चन, द क्वेश्चन और नन. तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा आपका ई, आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा. थर्ड जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, देर इज डेस ह्यूज स्टैच्यू ऑफ रानी लक्ष्मी बाई एट द स्क्वेयर. ओके, क्या है, एक ह्यूज स्टैच्यू है, कहाँ पर है, स्क्वेयर के ऊपर, किसका, रानी लक्ष्मी बाई का. तो इसमें करेक्ट आंसर आपके क्या रहेगा, देर इज अ ह्यूज स्टैच्यू, देर इज अनह्यूज स्टैच्यू, देर इज द ह्यूज स्टैच्यू या फिर नन. तो यहाँ पे ह्यूज दिया गया, एक स्टैच्यू की बात की जा रही, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा, देर इज अ ह्यूज स्टैच्यू ऑफ रानी लक्ष्मीबाई एट द स्क्वेयर. तो इसमें ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा. उसके बाद फोर्थ हमारा क्वेश्चन दिया गया, वेयर इज डेस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सिचुएटेड. ओके, तो यहाँ पे क्या रहेगा, वेयर इज अ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, या फिर सेकेंड ऑप्शन है अन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, या फिर थर्ड ऑप्शन है द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और डी दिया गया नन. तो इसमें आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा, वेयर इज द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक स्टैच्यू की बात की जा रही है, किसी भी स्टैच्यू की नहीं, स्पेसिफिक है, स्टैच्यू ऑफ कौन सा है, यूनिटी की. तो इसलिए यहाँ पर हम द का यूज करेंगे, डेफिनेट जो आर्टिकल्स है उसका यूज किया जाएगा. तो आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा. उसके बाद फिफ्थ हमारा क्वेश्चन दिया गया, वन कैन नॉट कंपेयर डेस ऑरेंज विद डेस बनाना. तो इसमें ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा आपका बी, वन कैन नॉट कंपेयर अन ऑरेंज विद अ बनाना. तो इसमें बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, एन फर्स्ट में रहेगा और सेकंड में रहेगा आपका ए. उसके बाद सिक्स्थ जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, चलिए उसको भी देखते हैं. सिक्स्थ हमारा क्वेश्चन है, ही इज द डेस मैन ऑफ आवर सिटी. ओके, इसमें जो द यूज करते हैं वो कहाँ पे यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री से पहले यूज करते हैं. यानी कि जैसे आपकी एक पॉजिटिव डिग्री होती है जिसमें हम एक पर्सन की बात करते हैं, उसकी क्वालिटीज़ की बात करते हैं. कंपेरेटिव डिग्री होती है जब हम दो पर्सन की बात करते हैं, तो वहाँ पे द नहीं आता, द आता है जब हम एक दो से ज़्यादा पर्सन की बात करते हैं या सबसे ज़्यादा हम किसी चीज़ को बता रहे हैं. तो यहाँ पे रिच है वो पॉजिटिव डिग्री है, उससे पहले द यूज़ नहीं होगा. रिचर है वो कंपेरेटिव डिग्री है, उससे पहले द यूज़ नहीं होगा. रिचेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले द यूज़ होगा. सो ही इज़ द रिचेस्ट मैन ऑफ आवर सिटी. तो सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा. उसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन दिया गया, सुशील इज टू ईयर्स डेज देन सुभाष. यानी कि यहाँ पे सुभाष के साथ कंपैरिजन किया गया, तो कंपेरेटिव डिग्री आएगी ना. ओके, तो यहाँ पे ओल्ड, ये तो पॉजिटिव डिग्री है, ओल्डर
बी ये कंपेटिव डिग्री है, तो बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सुशील इज 2 years ओल्डर देन सुभाष, तो बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। एट्थ हमारा क्वेश्चन है, नेम द डे स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, यहाँ पे अगेन द है, और द कहाँ यूज करते हैं, सुपरलेटिव जो डिग्री होती है उससे पहले, तो यहाँ पे ए हमारा दिएगा, नेम द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, लार्ज पॉजिटिव डिग्री होगी, लार्जर क्या होगा, कंपेटिव डिग्री होगी, तो इनसे पहले हम द का यूज नहीं करेंगे, यूज कहाँ करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री से पहले। तो यहाँ लार्जेस्ट है, तो लार्जेस्ट हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, इनकी ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद नाइन्थ हमारा क्वेश्चन है, इट वॉज अ डेज कोरोना वैक्सीन। ओके, तो यहाँ पे इट वॉज अ कोरोना वैक्सीन, सिंपलर कंपेरिजन तो नहीं किया गया, सिंपलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का भी यूज़ नहीं होगा। ओके, सिर्फ एक सिंगल की क्वालिटीज़ की बात की गई है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ए, इट वॉज अ सिंपल कोरोना वैक्सीन। ओके, ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद हमारा टेंथ क्वेश्चन दिया गया, देर इज नो एनिमल डेज फेथफुल दन द डॉग, यानी कि किससे कंपेयर किया जा रहा है, डॉग के साथ कंपेयर किया जाता है, दो में कंपेरिजन है ना, तो यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री होगी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया मैनी, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन है मोर, देर इज नो एनिमल मोर फेथफुल दन द डॉग, तो ये आपका करेक्ट आंसर बी रहेगा यहाँ पर। ठीक, तो ये थी आपकी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 1। आई होप सब कुछ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके पूछिएगा, आपको मैं रिप्लाई दूंगा। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी बार क्या, मोस्टली आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि सभी जो आपके वीडियोस शेयर करते हैं तो उन सभी का नोटिफिकेशन सभी के साथ नहीं जाता है। तो इसलिए आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर जैसी वीडियो पब्लिश होती है उस वीडियो के लिंक को यहाँ पर शेयर कर दिया जाता है, तो आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करोगे, सबसे पहले अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर पाओगे। क्या करना है आपको, टेलीग्राम डाउनलोड करना है, अगर है तो वहाँ पे ज्योग्राफी ग्रुप को लिखिए, सर्च कीजिए, ज्वाइन कीजिए, बस हो गया। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।